नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, भोजन करने से व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा के बल पर ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। दोस्तों, जीवन में भोजन ही सब कुछ है, इसलिए सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार पूजा करने की ही तरह भोजन खाना भी एक प्रकार से आवश्यक माना गया है। दोस्तों, सनातन संस्कृति में परिवार में भोजन करने से पूर्व भगवान की प्रार्थना भी की जाती है और भगवान को भोग भी लगाया जाता है। दोस्तों, और भोजन ग्रहण करते समय भगवान का धन्यवाद भी किया जाता है कि मालिक ने हमें आज भी भोजन दे दिया। दोस्तों, भोजन से जुड़ी भावनाओं के साथ सनातन परिवारों में उसकी शुद्धता एवं सौतिकता का पूर्ण पालन किया जाता है, लेकिन उसके बाद भोजन करते समय भी शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई हैं जिनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ही आवश्यक माना गया है। तो कौन सी वो बातें हैं, आइए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को खासकर औरतें एक बार जरूर देखें क्योंकि उनके बहुत ही काम का होने वाला है ये वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार भोजन करते समय आपको टीवी नहीं देखनी चाहिए, किसी प्रकार का संगीत भी नहीं सुनना चाहिए और आपको भोजन करते समय बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। भोजन करते समय बोलना मना है। यदि आप नियम से भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का झूठा खाना भी बहुत बड़ा निषेध माना गया है। आप भले ही भूखे रह जाएं, परंतु आपको किसी भी व्यक्ति का झूठा नहीं खाना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन हम लोग सोच लेते हैं कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन ये बातें लोगों को गुमराह करने वाली हैं और शास्त्रों के अनुसार ये बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। दोस्तों, आजकल पति पत्नी भी एक साथ एक थाली में भोजन करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि इससे दोनों के बीच प्यार बढ़ता है, लेकिन चाणक्य नीति और शास्त्रों में इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को कभी भी एक साथ और एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को एक साथ एक थाली में भोजन करने से घर में गरीबी का वास होता है, इसलिए हमेशा चाणक्य नीति और शास्त्रों के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी को एक साथ और एक थाली में भोजन करने से प्यार नहीं बढ़ता है, यह केवल एक तांत्रिक प्रक्रिया है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में दूसरा भाव अपनी बाड़ी का होता है, सुख का होता है, कले का होता है, धन की बचत का होता है और जीवन में मिलने वाले सुखों को संबोधित करने का होता है। अगर दूसरे भाव में व्यक्ति की बाड़ी और भाषा पर नकारात्मक प्रभाव होता है तो आपकी भाषा में कड़वाहट का भाव होता है और बहुत सारे दुष्प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। यदि हम किसी का झूठा खाते हैं तो हमारे जीवन में कई तरह के बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे कि व्यक्ति के सुखों में कमी आती है, घर परिवार में किले बढ़ जाती है और भोग विलास में भी कमी आती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, हम जिसका झूठा खाते हैं उसके अशुद्ध विचार, यदि वो व्यक्ति अशुद्ध विचारों वाला है, ऊपर से आपको प्यार दिखा रहा होता है और अंदर से वो व्यक्ति काला है, तो उसके अशुद्ध विचार हमारे मन में घर कर जाते हैं क्योंकि हम उस व्यक्ति का झूठा खा रहे होते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बुरा असर हमारे धन क्षेत्र में होता है। किसी का झूठा खाने से हमारे धन की हानि होने लगती है
और किसी का झूठा खाने से हमारे जो धन एकत्रित करने की क्षमता होती है बावी कम हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग भी इन बातों का विशेष ध्यान रखें, तभी आपको जीवन में सफलता मिल पाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।